तो हे गाइस व्हाट इज अप। तो आज है ईद और मैंने सोचा कि ना ईद की वीडियो बनाऊं। तो सुबह से मेरा मूड बिल्कुल ही खराब हो रहा था, मैं तुम्हें बताऊंगा आगे इस वीडियो में रीजन क्यों। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमने वीडियो का एंगल चेंज कर लिया, हम तो करेंगे थोड़ी सी बातें। तो यार ईद की नमाज आज हुई थी फजर की थोड़ी देर बाद। देखो मैं उठा था 3 बजे, मतलब सोया तो मैं बिल्कुल नहीं था, लेकिन एक बात मान लो कि मैं अपने बिस्तर से उठा था 3 बजे। उसके बाद मैं नहाया, नहाने के बाद मैं चला गया नमाज पढ़ने के लिए फजर की। फजर की बात हुई ईद की नमाज, जो ईद की नमाज होती है लोगों को पता ही होगा, बाल क्यों सेट नहीं हो रहा है। हाँ, उसके बाद मैं आया, मैंने सोचा थोड़ी सोया था, लेकिन नींद बिल्कुल भी नहीं आई, बिल्कुल भी नहीं। और काफी सारी विशेष आई, ईद मुबारक, मैंने सबको रिप्लाई करा, लेकिन मुझे किसी खास बंदे का इंतजार था, किसी खास मैसेज का इंतजार था कि उसका कॉल आए, उसका मैसेज आए, बस उसका मैसेज नहीं आया। तो मेरा मूड थोड़ा सा ऑफ था कि यार उसका मैसेज आया ना चाहिए, तब तक आया क्यों नहीं। तो फिर मैंने कहा नहीं यार, क्यों अपना मूड खराब करूँ, थोड़ी देर लेट जाता हूँ, मुझे नींद आई फिर 1 घंटे की। फिर मैं 11 बजे से लेके 12 बजे तक सो गया। उसके बाद जोर की नमाज पढ़ा, मतलब आज जुम्मा था, जुम्मे की नमाज पढ़ के आया। और मैंने खाना वाना खा लेते, थोड़ा घर वाले बैठते, थोड़ा मूड सही होगा, क्योंकि मेरा मूड फिर भी सही हुआ। मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने कहा वीडियो बनानी है, क्योंकि आजकल तरह व्यूज अच्छे आ रहे हैं और हमारे यूट्यूब की वीडियो पे ऐड भी आने लगा, आपको पता ही होगा। कितनी खुशी हो रही है, बात नहीं ऐड आ रहा है वीडियो पे, यार इतनी खुशी हो रही है ना, मुझे मैं जाहिर नहीं कर पा रहा, क्योंकि मेरा मूड बहुत ज्यादा खराब है। तुम यकीन और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह से नहीं मानोगे, लेकिन मैं ये शो नहीं दे रहा। एंगल चेंज करते हैं। तो अब तक आपको मैंने उस माहौल में डाल दिया कि आप लोग मेरी सीन समझ चुके होंगे क्या सीन है। तो ठीक है यहाँ तक। तो अभी यार टाइम हो रहा है 4 बज रहे हैं, इस बार सच में 4 बज रहे हैं, पिछली वीडियो की तरह नहीं कि 5 बज रहे थे और मैंने कहा कि 5:30 बज रहे हैं। ठीक है, तो अभी बज रहे हैं 4। अभी मैं जाऊंगा बाहर थोड़ा सा कुछ सामान वाले लेने, मतलब मिठाई वगैरह अपने दोस्तों को बांटने, मतलब मिठाई नहीं बिस्किट वगैरह जो भी मिलेगा। वैसे लॉकडाउन लगा हुआ आपको सबको पता ही होगा, घर में बैठे हैं, कहीं जा नहीं रहे, लेकिन मैं सिर्फ पास में ही जाऊंगा। तो कोई कमेंट में कुछ मत लिखना उल्टा सीधा, जैसे पिछले वीडियो में मेरे एक भाई ने कमेंट करा था कि भाई आके सैनिटाइज कर ले था, तो बड़े भाई मैंने आके सैनिटाइज कर लिया था, मैं आपसे कहना चाहता हूँ। लेकिन मैंने वीडियो में नहीं दिखाया, क्योंकि यार क्या क्या दिखाऊं, समझा करो। अब मैंने कुर्ता दिया है, देखो कुर्ता, देखो मेरा कैसा है, पहले तो कुर्ता दिखाता हूँ, तो आप बताना कुर्ता कैसा लग रहा है मेरा। तो मैंने बिल्कुल प्लेन कुर्ता सिलवाया, हम 3-4 दोस्त हैं, उन्होंने सेम सिलवाया, थोड़ा शायद डिजाइन का फर्क हो, लेकिन कपड़ा हमारा सेम है। तो एक बार कुर्ता चेक करो मेरा कैसा है, मतलब पठानी सूट है, मैं ऐसे देखो सामने से शायद आ रहा हूँ, हाँ देखो ऐसा है कुछ कुर्ता। तो कमेंट बताना कैसा लग रहा है कुर्ता, आ जाना। तो 1 मिनट रुको दिखाता हूँ कुर्ता, कुछ ऐसा लग रहा है देखो, ठीक है ना। तो तुम लोग सोचते हो कि मैं ऊपर आके वीडियो क्यों बनाता हूँ, तो यार देखो यहाँ ना जरा शांति है और यहाँ आवाज़ अच्छी आती है, मतलब आवाज़ अच्छी आने का मेरा मतलब है यहाँ पे लाइट, मतलब लाइटिंग सही है और मैं पंखा वंखा बंद करके आराम से बैठ सकता हूँ। और नीचे मेहमान भी आए मेरे घर में, और मैं अगर पंखा वंखा बंद करके बैठूंगा तो मुझे गाली पड़ेंगी, तुम्हें बताइए यार घर में क्या सीन होते हैं। ठीक है, तो अभी हम जाएंगे बाहर कुछ सामान वाले लेने, फिर हम थोड़ा दोस्तों के पास जाएंगे अपने, तो वीडियो बन जाएगी थोड़ी अच्छी। लेकिन बस तुम लाइक भी कर देना, क्योंकि लाइक थोड़ा कम आ रहा है आजकल वीडियो पे। तो ठीक है ना, अभी चलते हैं फिर बाहर। और हाँ एक बात और, मैं जिस कॉल की बात कर रहा था, मैं उसकी वजह से अपना मूड खराब नहीं करूँगा, अगर कॉल आएगा तो ठीक है, मैसेज आएगा तो भी ठीक है, बस मैं 5 बजे तक वेट करता हूँ, अगर आता है तो मेरा मूड थोड़ा अच्छा हो जाएगा, नहीं आता तो मैं अपना मूड खराब नहीं करूँगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना एंड तक, चले हम बाहर कुछ सामान खरीद के आते हैं और फिर बांटते हैं उसे। मैं अकेला हूँ और पता नहीं तुम्हें आवाज आ रही है, मेरी बहुत फट रही है, अबे आवाज ही आ रही है तुझसे। देखो इस कमरे, पूरे कमरे में मैं अकेला हूँ और उसमें आवाज आ रही है, पता नहीं क्यों। बहुत सीन होता है भाई यहाँ पे अकेले बैठने का, नहीं जरा सा भी। और मैं तुम लोगों से कुछ कहने वाला था कि मेरी तरफ से आपसे वीडियो को ईद की बहुत मुबारकबाद, तो कमेंट में रिप्लाई कर देना। ठीक है, बस बहुत बातें कर ली यहाँ पे, अब चलते नीचे, और आवाज बंद नहीं हो रही, मैं जरूर नीचे में डर लग रहा है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे कूलर की आवाज आती है और दुनिया भर के कपड़े सूखते हैं, तो इस वजह से मुझे यहाँ वीडियो बनाना अच्छा लगता है, इसलिए वो पड़ जाता हूँ, समझे रीजन, समझे। और फिर मैं सो गया था और रात में तो अपने दो तीन दोस्तों मिलने गया एंड बात हो गई थी मेरी, मेरा मूड ठीक हो गया था, बाकी नेक्स्ट व्लॉग आएगा देख लेना। देखो ये सो रहा है पड़ा हुआ। रोड़े खोया आज उन गुफाओं में है चंदा, जाके पीछे छिपटा रात, इन पहाड़ों के चमकता जुगनू जैसे तारे ला, इन फिजाओं में लपक के बांधा मैंने फीता, छाप छोड़े चला मुझे किस किस ने क्या क्या कहा, भटकता रहा मैं सिर्फ आवारा, मैं एक
बादल में चलता रहा, गगन बरस पड़ा तो आओ।